अब मीडिया के माध्यम से बात करने का संदेश भेजना, यह तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही शुरू किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को आखिरी अल्टीमेटम उपेंद्र कुशवाहा ने दे दी है। भले ही बयानबाजी चल रहा हो, उपेंद्र कुशवाहा शायद जदयू के नेता नहीं रहे, इसलिए कि उन्होंने जिस तरीके से आज बयान दिया उससे ये साफ जाहिर होता है उपेंद्र कुशवाहा आर पार के मूड में है। अंतिम मौका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज दिया है और कह दिया है कि ये आखिरी मौका आपके पास है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है देश में, आपको बड़ा करने की जो आपके अंदर चाहत है उसको लेकर अगर आप चलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ये अंतिम मौका है, आप बात कर लीजिए। आसपास के लोगों के बातों में मत जाइए, आप भ्रम में हैं और उपेंद्र कुशवाहा आपको मजबूत कर सकता है, आपका भाई आपको मजबूत कर सकता है, आज भी हम बड़े भाई आपको मानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा काफी भावुकता से अपनी बात को रख रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने आज पूरी तैयारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सब कुछ स्पष्ट किया है। कागजों पर लिखा हुआ नोट उपेंद्र कुशवाहा के पास था जिसमें उपेंद्र कुशवाहा पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहे थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये जानते हैं कि आज जिस मुद्दे पर वो बयान दिए हैं उससे अलग हटकर वो बात भी नहीं करना चाहते हैं ताकि नीतीश कुमार स्पष्ट संदेश सुन सके, नीतीश कुमार स्पष्ट संदेश दे सके। जब मीडिया के माध्यम से ही संवाद होना है, उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट किया है कि आज पहला दिन है और कई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाएंगे जिसे अलग अलग मुद्दों के साथ बातचीत की जाएगी। इस बार का मुद्दा नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को देखना नहीं चाहते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, दो साल में उन्होंने बात नहीं की, नीतीश झूठ बोल रहे हैं, इन तमाम चीजों पर था। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कई और अहम जानकारी भी दी है, उन जानकारी को हम साझा करते हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। दो चार पांच दिनों में कई तरह की बात मेरे बारे में चल रही है और उसमें मुख्यमंत्री जी भी उस तरह की बात को चलाने में शामिल हो गए। जो कुछ भी पार्टी के बारे में हमने अलग अलग समय पे चर्चा की है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बात नहीं होनी चाहिए, बात पार्टी के मंच पर की जानी चाहिए या मिलकर होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले किसने शुरुआत की, जब हम दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के बंधुओं से कहा कि आप उनसे कह दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से कह दीजिए कि हमसे बात करें। अब मीडिया के माध्यम से बात करने का संदेश भेजना, यह तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही शुरू किया है। अब खुद ही उन्होंने मीडिया को बीच में लाया और उसके बाद हमसे यह बात कहना कि मिलकर बात करें, पार्टी मंच पर बात करें, अब इसका अर्थ आप लोग लगा सकते हैं। शुरुआत उन्होंने की, शुरुआत हमने नहीं की, ठीक है। अब वह जो कह रहे हैं कि पार्टी मंच पर बात होनी चाहिए, तो पार्टी के किस मंच पर हम बात करें? हमने तो पार्टी से मांग की है पहले ही, एक सप्ताह पहले, आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी बुलाए और उस बैठक में सारी चर्चा जो आज चल रही है हवा में इधर उधर से, क्या डील हुई आरजेडी के साथ, इस तरह की बातें जो चल रही है, या पार्टी कमजोर हुई नहीं हुई इत्यादि, इन विषयों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।